नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। काफ़ी क्वेरीज आई हुई थी रशिया के बारे में, बहुत से व्यूज और बहुत से एप्लीकेंट्स ने रशिया के रिगार्डिंग कई कॉमन क्वेश्चन पुट किए हुए थे। सो आज की वीडियो में रशिया वीज़ा, रशिया वर्क, सैलरी प्रोसेस के बारे में क्लियर करेंगे। छोटी सी वीडियो में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी एप्लीकेंट का क्वेश्चन होता है कि सर रशिया कंट्री कैसी है, तो डियर आपको क्लियर कर दें कि रशिया एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। रशिया का जो एरिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया रशिया का ही है, जो कि 1,70,00,000 से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ की जनसंख्या की बात करें, तो सिर्फ 17 करोड़ के आसपास ही यहाँ की पॉपुलेशन है। और जीडीपी की बात करें तो कनाडा के बाद रशिया की ही जीडीपी है। रशिया की मातृभाषा की बात करें, यहाँ की लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो रशियन है। अब भी बात करते हैं कि अदर कंट्री, चाहे वो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई से जो भी एप्लीकेंट रशिया में जॉब करना चाहते हैं तो वो कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में जॉब सर्च करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जो मैक्सिमम टाइम सेम ही रहता है। सबसे पहले एप्लीकेंट को एक सीवी की जरूरत होती है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल्स बहुत क्लियरली जो है वो मेंशन करनी होती है। जिन एप्लीकेंट को उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी है, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल है, कम्युनिकेशन क्वालिटी है, तो वो ऑनलाइन भी ऑथेंटिक एम्प्लॉयर सर्च कर सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि एम्प्लॉयर ऑथेंटिक है, जेन्युइन है या एक फ्रॉड है, इसके बिटवीन फर्क महसूस करना अपने आप में एक वेरी डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। बिकॉज आज के टाइम में स्कैमर्स ने, फर्जी फ्रॉडर्स ने बिल्कुल जेन्युइन जैसी दिखने वाली वेबसाइट तक तैयार कर ली है। और एक कॉमन एप्लीकेंट को की अप्रोच जो होती है वो मैक्सिमम ऑनलाइन सर्च करके चेक करने तक ही रहती है। और उन इनोसेंट एप्लीकेंट को मिसगाइड करके, रॉन्ग डायरेक्शन में एडवाइस करके, उनके साथ टाइमिंग एंड फाइनेंशियली वे में स्कैम किया जाता है। सो आप डायरेक्ट कंपनी या एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके थोड़ी समझदारी से वेरीफाई कर सकते हैं, या किसी जेन्युइन रिक्रूटमेंट एजेंसी या इमिग्रेशन वीजा एक्सपर्ट से भी हेल्प आप ले सकते हैं। सो एम्प्लॉयर रेडी होने के बाद आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अपना केस फाइल रेडी करके ऑफिशियल फीस के साथ रशिया सबमिशन सेंटर में अपना केस सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद वीजा स्टैंप होने के बाद आपने जिन डेट्स में एम्प्लॉयर के पास ज्वाइन करना है उसको ध्यान में रख के आपने फ्लाइट बुकिंग करवानी है और फ्लाई कर देना है। अगर कंपनी या एम्प्लॉयर की तरफ से आपको पिक एंड ड्रॉप, अकोमोडेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आपको वहां एयरपोर्ट पर कंपनी के लोग पिक करके आपकी लोकेशन पर पहुंचा देंगे, आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे। अगर आपको ये सर्विसेज नहीं भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। एयरपोर्ट से बाहर कैब लेकर अपनी लोकेशन पर आप पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप चाहो तो अपनी फ्लाइट की टाइमिंग के अकॉर्डिंग पहले से ही कैब बुक करवा सकते हो, ताकि आपको बाहर जाके कैब सर्च करने और बुकिंग करने पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अपनी अकोमोडेशन लोकेशन पर रीच करने के बाद आप रेस्ट कीजिए और दी हुई डेट और टाइम पर अपने वर्क प्लेस पर ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी अकोमोडेशन लोकेशन से आपकी वर्क प्लेस ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। मैक्सिमम कंपनीज में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो वो होती है, तो आपकी अकोमोडेशन स्पेस से वर्क प्लेस तक पिक एंड ड्रॉप कंपनी की गाड़ी रेगुलर बेस पर वर्कर्स को सर्विस देती है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि रशिया पहुंचने के बाद आप जॉब पर कैसे जाएं, और जॉब्स के बारे में जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंटों से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।